ये किया स्पॉटेज है किया ने ये गाड़ी 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च की थी और ये एक सिग्निफिकेंट गाड़ी है पाकिस्तानी कार इंडस्ट्री को अगर देखा जाए क्यों उस पर मैं कुछ देर में आऊँगा पहले मैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ और किया के बारे में थोड़ा सा बता दूँ किया ने टू में मिड टू ले टू में यह गाड़ी लॉन्च की थी और ये आई थिंक उनकी अपनी एंटिसपेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है उनके लिए क्योंकि पाकिस्तान में एक मिड सॉरी कॉम्पैक्ट क्रॉस टाइप चीज़ की कमी थी लोग वेजल बहुत ज़्यादा ले रहे थे मगर लोकली असेंबल्ड गाड़ी हमारे पास कोई इतनी खास अवेलेबल नहीं थी उस पर फिर किया ने कंटैक्ट मार्केट को अप्रोच किया और फिर उसके बाद दिस टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल ये हमारे पास एक uh, इससे पहले भी एक किया स्पोर्टेज होती थी पाकिस्तान में जब किया पहले अर्ली टू थाउजेंड्स में पाकिस्तान में ऑपरेट करता था मगर वो ड्यू टू सम रीजनस किया पैकड पैकड पैग्स एंड वेंट अवे अभी फिर से वो आएँ और अब चूंकि हमारे पास वो वाली जनरेशन ऑफ स्पोर्टेज थी और ये वाली जनरेशन ऑफ स्पोर्टेज भी है तो फिर हम देख सकते हैं कि स्पोर्टेज ने ओवर द ईयर्स कैसे इवॉल्व किया है क्योंकि पहले जो हमारे पास स्पोर्टेज थी वो रगेड ऑफ़ रोडर टाइप थी फोर व्हील ड्राइव गाड़ी थी और ये एक तरह की कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट क्रॉस है अब मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो किया स्पोर्टेज है ये पाकिस्तान में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री अगर आप कार इंडस्ट्री का करें ना तो दिस इज़ दैट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में यही रोना होता था सबका कि यार बिग थ्री है हमारे पास सुजूकी होंडा टोयोटा लूट रहे हैं वॉट एवर वॉट एवर एक तरह की ओले गोपली बनी हुई थी पाकिस्तान में कोई ऐसा कॉम्पटिशन हमारे पास अवेलेबल नहीं था हमारी मार्केट में और जो कॉम्पटिशन था भी वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था हमारे पास सुजुकी के तीन चार प्रोडक्ट्स थे टोटा के दो तीन थे होन्डा के दो तीन थे तब किया केम इन टू दी मार्केट और जो टू थाउजेंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी वन की ऑटो पॉलिसी है उसके मुताबिक उन्होंने ये प्लांट लगाया पाकिस्तान में और फिर दे टैप्ट दिस मार्केट अब पाकिस्तान में मेनली यही बिलीव था सबका के यार पाकिस्तान में इकानमी कार्ज होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक जनरली एक गरीब मुल्क समझा जाता है तो पाकिस्तान में इकानमी कार्ज होनी चाहिए जो टू मिलियन अंडर टू मिलियन का प्राइस प्रैकेट है सुजुकी कोई को टक्कर दे क्योंकि ऑब्वियसली सुजुकी सेल्स तो किया ने दो सेगमेंट्स को टच किया <coughs> एक टू मिलियन वाला था जहाँ पर पिकांटो आई जो कि आपकी एक तरह की इकोनॉमी कार है और एक ये फाइव मिलियन प्लस वाला अब पिकांटो से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्पोर्टेज हुई दिस ओपन डोर्स टू अ न्यू मार्केट ठीक है वहाँ से फिर डिस्कवर हुआ कि अच्छा पाकिस्तान सही है इट्स परसीव टू बी अ पुअर कंट्री मगर अब एक ऐसी गाड़ी जो फाइव मिलियन प्लस की है ये इतनी ज़्यादा बिक रही है और पिकांटो जो के टू मिलियन जो कि एक इकॉनमी एक एक कार है वो इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही वहाँ से फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ पाकिस्तानी पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मच्य नहीं ठीक है।, है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंज्यूमर रिसर्च नहीं हुई तो यहाँ से फिर हुआ कि अच्छा पाकिस्तान में एक अपर मिडिल क्लास इकानमी भी बहुत ज़्यादा है और अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड भी बहुत ज़्यादा हैं और रिच हाउस होल्ड भी काफ़ी हैं जो कि एक डेली ड्राइवर ढूंढ रहे हैं अपने लिए ऑब्वियसली बिकॉज यू कान ड्राइव अ मर्सिडीज एवरी डे वहाँ उन लोगों ने फिर ये गाड़ी खरीदना शुरू की और फिर वहाँ से ही ओंडाई ने भी अपनी टूसॉन लॉन्च की और ये जो अब हम आज देख रहे हैं कि एम जी ग्लोरी प्रोटोन और ये हवल की भी जूलियन आ गई है और एच सिक्स एंड वॉट एवर वॉट एवर ये सारी गाड़ियाँ जो आई हैं तो दिस इज दार दैट स्टार्टड दिस ट्रेंड इस वजह से दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कार दिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कार इंडस्ट्री अच्छा अब हम अगर गाड़ी की स्टाइलिंग की बात करें तो इसकी स्टाइलिंग जो है यहाँ पर ना हमारे पास ये चार डी लगे हुए हैं ठीक है जो अभी ऑन नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी ऑफ है मगर यू सी इन द स्पॉटेज ऑन द रोड यू नो वट आई टॉकिंग अबाउट लाइट्स इसकी ऑल एल ई है मगर जो इसके चार डी आर ना ये काफ़ी ज़्यादा पोशा से मिलते जुलते हैं तो वो कहते हैं कि पोशा की जो मकान है ठीक है ये मकैन उससे ये काफ़ी मिलती जुलती है मुझे भी इससे इसकी पीछे से भी जो एक लंबी टेल लाइट जा रही है वो भी और ये भी काफ़ी मिलती जुलती है मगर इस ग्रिल की वजह से ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक अ फ़िश और अगर आप यहाँ पर आ जाओ ठीक <coughs> है हमारे पास यहाँ पर फॉग लैम्पस भी हैं अच्छे से और इन्होंने थोड़ा बहुत स्टाइलिंग क्यूज दिए हुए हैं एटीन इंच के हमारे पास एलॉयज़ हैं जो कि मतलब पाकिस्तानी कार इंडस्ट्री में इस गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं ठीक है हमारे पास एल ई हैं हमारे पास एटीन इंच के व्हील्स हैं एल ई हमारे पास चलो ठीक है ग्रांडे में आ जाते थे और सिविक में भी आ जाते थे मगर 18 इंच के व्हील्स नहीं हमारे पास आते थे और आ, उसके अलावा जो गाड़ी की ओवरऑल लोकेट्स क्वाइट सटल मतलब इट्स नॉट हेटर्निंग इन एनी वे मगर इट्स गुड लुकिंग कार इट्स हैंडसम कार पीछे हमारे पास टेल लाइट्स हैं ये लाइट बार हमारे पास जा रहा है मगर ये चलता नहीं है जो कि अगर चल जाता तो फिर शायद रात को काफ़ी अच्छा लगता है जैसे वो ईटरन में जा रहा होता है वो अच्छा लगता आ, एक चीज़ की अगर मैं शिकायत करूँ तो वो ये है कि हमारे पास अगर ये इतना बड़ा टेल लैम्प है इतने बड़े टेल लैम्प में हमारे पास सिर्फ ब्रेक लाइट्स हैं ठीक है हमारे पास जो रिवर्स लाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास इधर हैं हेलोजिन में जो कि एक इतनी ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है मगर अगर इतनी बड़ी इन्होंने लाइट बना दी है तो कर लें इसके अलावा हमारे पास रिवर्स लाइट जो है वो सिर्फ यहाँ पर है यहाँ पर हमारे पास रेअर्स फॉग लैंप है ये योरप यूरोप की एक अजीब सी जाए सी रेगोलेशन है जो कि आपको कहती है कि आपकी गाड़ी के पीछे बैक साइड पर कम अज़ कम एक फॉग लैम्प होना चाहिए और एक आपके पास रिवर्स रिवर्स लाइट होनी चाहिए तो वो कम अज़ कम वाली चीज़ को वो पाकिस्तान में भी इधर ले आए हैं स्पोर्टेज पाकिस्तान में तीन वेरिएंट्स में आती है हमारे पास सबसे नीचे हमारे पास आता है स्पोर्टेज अल्फा स्पोर्टेज अल्फा आपकी अराउंड 45 पे शुरू होती है उसमें कुछ फीचर्स इन्होंने स्ट्रिप किए हुए हैं जैसे सामने एल के बजाय आपके पास हेड हेडलैम्प्स हैं डी उसमें भी आते हैं पीछे वाली लाइटों का भी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है उसमें भी हेलोजन आते हैं ऊपर जो आपकी इतनी बड़ी पेनोरामिकनप्रूफ टी वी है वो इन्होंने खत्म कर दिए और उसके अलावा इसी तरह के दो चार फीचर्स उन्होंने खत्म करके इसका प्राइस टैग कम कर दिया अक्रॉस द रेंज इसमें वही टू लीटर फोर सिलेंडर आता है जो कि आपका 154 हंड्रेड एंड फिफ़्टी फोर हॉर्स पावर क्रिएट करता है ये आपकी फ़्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है इसमें ये मतलब बीच में आता है ये आपकी अराउंड फ़िफ्टी फिफ्टी वन में आती है और जो ऑल व्हील ड्राइव है जिसके ऊपर यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव का बैच लगा होता है वो आपकी कोई चार पाँच लाख उससे ऊपर होती है अराउंड फिफ्टी फोर फिफ्टी फ़ाइव आपको मिलेगी वो गाड़ी अगर हम इसके इंजन की बात करें तो एक चीज़ जो मुझे फ़ौर एक डिसपॉइंटमेंट लग रही है वो ये है कि इसमें आपके हाइड्रोलिक ट्रट्स नहीं आते इसमें आपको ये करना पड़ता है यहाँ पर ये लगाना पड़ता है इवन तो जिस प्राइस टैग में ये हमें मिल रही है अगर हाइड्रोलिक स्टार्ट्स आते तो वो बहुत बेहतर होता इंजन में इतना कुछ खास नहीं है इसका टू लीटर फोर सिलेंडर है वन फिफ्टी फोर हॉर्स पावर बनाता है बहुत पावरफुल भी नहीं है मगर इट्स एडिक्वेटली पावर किसी भी तरह से अंडर पावर नहीं फील होती है गाड़ी और मतलब अनलेस जाहिर अगर आप आग बहुत ज़्यादा पट रहे हैं तो उस मकसद के लिए बनी भी नहीं है ये गाड़ी मगर जो आपका डेली यूज़ होगा डेली ट्रैफिक और अगर ऊपर तक भी जाना आपने तो इट्स कंप्लीटली फाइन राइट बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो हमारे पास काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है इवन दो जो पीछे वाली सीटें हैं उनमें भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम और हेड रूम अवेलेबल है उसके बावजूद यहाँ पर हमारे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ़ बूट स्पेस मौजूद है यहाँ पर यू कैन ईज़िली गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स और आप uh, अच्छा सामान रख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉल्स फ्लोर भी है जिसके नीचे आपका स्पेयर व्हील और जैक पड़ा हुआ है और एक लाइट है ये आपका पार्सल शेल्फ भी है जिसके जिससे आप कवर कर सकते हैं और मतलब इट्स इट्स अ गुड स्पेस हमारे पास ये पावर टेल गेट नहीं आता पावर टेल गेट हमारे पास सबसे ऊपर वाले ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट में आता है अच्छा अंदर से ये गाड़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है एज इन के मतलब इतना ज्यादा फैंसी सा लेआउट नहीं है इस गाड़ी का बहुत सादा सा है और ये मतलब थोड़ी सी पुरानी लगती है मॉडर्न इंटीरियर नहीं लगता ये थोड़ा सा आपका मिड टू थाउजें वाला लगता है जबकि गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर एक और स्पोर्टेज का वेरिएंट आ गया मगर ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में नहीं आया अभी तक और ना डोंट एक्सपेक्ट इट इन द नियर फ्यूचर एज वेल यहाँ पर हमारे पास लेआउट मगर काफ़ी सिंपल सा है बेशक कोई बहुत ज़्यादा फैंसी डिजाइनिंग ना हो रही हो लेआउट हमारे पास बहुत सिंपल सा है हमारे पास एक सिंपल टू यूज़ इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें बेसिक चीज़ें रेडियो है और आपका आ, मतलब मीडिया रेडियो वट एवर यू वॉन्ट उसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड ऑटो एपल कार प्ले भी आ, आ जाता है इसमें कैंसिल करो यार इसको अभी ब्लूटूथ कनेक्ट होने लग गया इसका किसके साथ ब्लूटूथ एस सिक्स एच प्लस के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा था इसका तो उसमें काफ़ी देर लगा दी इसने खैर उसके अलावा हमारे पास ये अच्छी बात है कि हमारे पास पावर आ, जो हमारे पास वो है वॉल्यूम का वॉल्यूम का नॉब है हमारे पास बटन्स नहीं होने चाहिए उसके टच भी नहीं होना चाहिए और आपका जो पूरा लेआउट है वो अच्छा सा है उसके अलावा डोल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की यहाँ पर एक अलग सी स्क्रीन ही दी हुई उन्होंने अगर आप सेट करें तो वो यहीं पर इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही आ जाते हैं आपके पास डोल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ये होता है कि जो पैसेंजर है वो अपनी मर्जी का टम्परेचर सेट कर सकता है ड्राइवर अपनी मर्जी का कर सकता है और अगर मैं सिंक को दबाऊँ तो जो ड्राइवर का टेम्परेचर है वही पैसेंजर का आ जाता है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑबियसली उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिगरेट स्टाइल आउटलेट है और सिगरेट लाइटर भी है यू भी है हमारे पास दो कप होल्डर आते हैं और जिसको आप दो कप होल्डर यूज़ कर सकते हो या एक एश्टे रख सकते हो उसमें ये एशे रिमूवेबल है आ, हमारे पास नॉर्मल सा गेयर लीवर है जदीद टेक्नोलॉजी बटन वाली पार्किंग ब्रैक है हमारे पास ड्राइव मोड्स हैं उस पर मैं अभी आता हूँ कुछ देर में और पार्किंग सेंसर का भी आपके पास बटन है जो आप पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ़ कर सकते हो नॉर्मल से सेंटर है। एक चीज़ जो मुझे बहुत मज़े की लगी है इस गाड़ी में वो ये है कि इसका जो हेडरेस्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट है तो लाइक यू नो मतलब इतना सॉफ्ट एड्रेस शायद मैंने कभी नहीं देखा uh, जो मटेरियल क्वालिटी है इट्स फाइन इट्स नॉट लाइक ऑन अनदर लेवल हमारे पास सॉफ्ट टच यहाँ पर है स्क्रैची प्लास्टिक यहाँ पर है मगर इट्स फाइन uh, जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी है उससे मुझे सच कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है राइट right. uh, जो स्टेयरिंग लेआउट है हमारे पास ये मुझे अच्छा लगा है काफ़ी हमारे पास अच्छे वेल लेड आउट बटन हैं यहाँ से वॉल्यूम शॉल्यूम कंट्रोल हो सकती है आपकी और उसके अलावा आपके जो कॉल्स वगैरह अटेंड करनी है एक जो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो इसका जो अंदर गेज क्लस्टर के अंदर जो डिस्प्ले है ना बेशक छोटा सा और ब्लैक एंड वाइट है इतनी मगर इसकी रेजोलूशन अच्छी है यहाँ ये यह आप यहाँ से कंट्रोल करते हो आ, तो इसमें आपके पास एवरेज आ जाती है आपकी ट्रिप इन्फो आ जाती है और आपकी स्पीड आ जाती है उसके अलावा अगर आप इस मेन्यू में जाओ तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं इन डिफरेंट सेटिंग्स में आपके पास अब ये जिस तरह ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स हैं इसमें आपके पास आप अपनी ए सी ऑफ कर सकते हो अपनी डोर की सेटिंग्स में जाओ तो आप बता सकते हो कि अच्छा आपने ऑटोमेटिकली लॉक करना ये नहीं करना आ, लाइट्स में जाओ आप तो फिर ये जो वन टच टर्न सिग्नल है इसमें हमारे पास थ्री फ्लैशेस फ़ाइव फ्लैशेस और व्हाट इज़ वन टच टर्न सिग्नल ये है, वो है कि अगर आपने लेन चेंज करनी हो ना तो आप ऑल द वे अपना टर्न सिग्नल ना करो बस हल्का सा इसको टैप कर दो तो फिर ये आपका टर्न सिग्नल थ्री फ्लैशेस देगा जो कि आप यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकते हो साउंड में आप यही कि वेलकम साउंड आनी है नहीं आनी है वाट नॉट uh, उसके अलावा मतलब आपके पास इसी तरह के डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप डिस्कवर, डिस्कवरी में निकल सकते हो क्रूज़ कंट्रोल है हमारे पास ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं हमारे पास एंड वाट नॉट और ये जो इसकी वेलकम साउंड भी थी अगर मैं गाड़ी को यहाँ से ऑफ़ कर दूँ तो इस तरह की आवाज़ आती है जैसे वो जो विंडोज़ कंप्यूटर होता है वो ऑफ हो रहा हो अच्छा एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इधर जो कॉशन वाला आपका साइन है इसमें उर्दू लिखी हुई है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली ये गाड़ी पाकिस्तान में बेची जा रही है तो इस वजह से इसमें उर्दू लिखी गई है जो आपकी मतलब यूजुअली आपके जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर जैपनीज लिखी होती है उन गाड़ियों में और मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग अच्छा पीछे बैठे हुए हमारे पास एक अच्छी स्पेस मौजूद है ये गाड़ी इज़ अ वेरी गुड साइज़ फॉर अ फैमिल ऑफ़ अगर आपके पास फॉर अ फैमिल ऑफ़ फ़ाइव है तो यहाँ पर तीन लोग आराम से आ सकते हैं मेरे पास अच्छा नी रूम है अच्छा हेड रूम है और ये ऊपर जो पैनोरामिक सन रूफ है ये आपकी बहुत अच्छी लगती है इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक सादा सा आम रेस्ट है जिसमें दो कप होल्डर हैं और यहाँ पर हमारे पास रेसीवेंट्स भी हैं सिगरेट स्टाइल आउटलेट है और यू एस पी पोट भी है और मतलब जो मटेरियल क्वालिटी ये क्लॉथ सीट्स हैं जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट आता है ऑल व्हील ड्राइव वाला उसमें लेदर आती हैं इसमें क्लॉथ हैं जो मटेरियल क्वालिटी है आपकी वो यहाँ पर ठीक है इट्स मतलब इट्स फाइन इट्स स्टिल प्लास्टिक मगर इट्स फाइन मगर नीचे फिर जाके आपका स्क्रैची प्लास्टिक शुरू हो जाता है मगर ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एरी कैबिन खासकर ये जो पैनोरामिक सनरूफ आपकी हूँ अगर हुई हुई हो तो आपको पीछे बैठ के बहुत ओपन सी फीलिंग आती है और मतलब आई वोंट माइंड स्पेंडिंग लॉन्ग ट्रिप्स ओवर हेयर अच्छा जी ड्राइविंग द किया स्पोर्ट इसका जो स्टेयरिंग है वो बहुत अच्छा है बहुत डायरेक्ट है हल्का सा है और जो आपकी कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर है उसमें मतलब इट्स वेरी नाइस उसके अलावा यहाँ से अगर मैं ड्राइव मोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अभी फिलहाल ये गाड़ी इको पे है यहाँ से अगर मैं स्पोर्ट पे लेके जाऊँ तो इसका जो आपको आ, थोड़ा सा फील होता है कि इसके जो गेयर रेशोज़ हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल में आ रहा जाऊँ नॉर्मल इज़ अनदर वर्ड फॉर मतलब ब्लेंड बिटवीन इको एंड स्पोर्ट तो इसको हम इको पे ही रखते हैं इको पे आपको फ्यूल इकानमी uh, थोड़ी बहुत बेहतर मिलती है फ्यूल का मैंने ये देखा है ये भी लीटर्स पर हंड्रेड किलोमीटर्स दे रही है विच डज़न मेक सेंस क्योंकि मतलब uh, आपका एम पी जी इज़ फ़ाइन के एम पी एल इज़ फ़ाइन मगर लीटर्स पर हंड्रेड किलोमीटर्स डजन मेक एनी सेंस फॉर मी उसके अलावा uh, जो गाड़ी का जनरल लेआउट है ड्राइव करते हुए अगर वो देखा जाए तो मतलब इट्स अ गुड प्लेस टू बी इट्स अ वेरी गुड थिंग टू ड्राइव ये हेड रेस्ट मुझे नरम नरम बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा है बॉडी रोल है गाड़ी में थोड़ा बहुत मगर ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट दिस फ्राम अ टॉल कार ये भी एक प्रॉपर एस नहीं है इसको भी आप एक अर्बन एस कह लें या फिर इसका ज़्यादा अच्छा लव सी होगा क्रॉस ओवर यूटिलिटी वहीकल Uh, क्योंकि मतलब ये आपकी इट्स नॉट मेड टू कॉन्क्रेट रें और वॉट एवर इट्स जस्ट मेड टू मतलब आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जाएँ या फिर आप uh, उसके अलावा अपने बच्चों को स्कूल वगैरह ड्रॉप करने जाए यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चढ़ाई आई है तो फील हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पावर लगा रही है मगर इट्स नथिंग के जो कि मतलब ये गाड़ी ना कर सके और इट्स uh, मतलब 154 फिफ्टी फोर हॉर्स पावर इज नॉट अ वेरी गुड फिगर आई वुड से फॉर अ कार दिस साइज मगर इट्स नॉट अ वेरी बैड फिगर एज़ वेल एडिकुएटली पावर्ड गाड़ी है आई डोंट थिंक कि आप अगर ये चलाएँगे तो फिर आपको फील होगा कि इस गाड़ी में मज़ीद पावर होनी चाहिए या फिर इस गाड़ी में कम पावर है तो दिस इज़ एन ओवरऑल व्यू ऑफ माई ड्राइव विद स्पोटेज होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू